सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 4,080 किलोमीटर की यात्रा कल तक राहुल गांधी पूरी कर लेंगे, 75 जिलों से गुजर चुके होंगे। इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत के बाद किसी राजनेता ने नहीं की है, जिसने भी की है उसको लाभ मिला है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी की एक एक ये कदम है और राहुल गांधी उस कदम की ओर आगे बढ़ चुके हैं? सभी तपस्वी अध्याय 2 भगवद गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिया था वो याद करते हैं, उनके मन में रहता है जब कोई काम करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संघोस्त्व कर्मणि। समझे? हे अर्जुन, तुम्हारा हक है काम करने का, काम के नतीजे पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अधिकार है काम करने का, तुम्हारा धर्म है काम करने का। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, पर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसका नतीजा क्या होगा, कितने सीटें आएंगी, क्या वोट शेयर बढ़ेगा, ये सब आप लोगों के लिए है।